तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे आलू की खेती ऑर्गेनिक कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले हमने खेत को साफ किया हुआ है। दोस्तों ये जल्दी जल्दी घास है, दोस्तों ये सबको हटाया हुआ है, इसको हटा दिए हैं, धीरे धीरे साफ कर देंगे, पूरा ये साफ हो गया खेत। और खेत साफ होने के बाद दोस्तों हमने ये गोबर का खाद डाला हुआ है। दोस्तों ये खाद जो है और निर्मित है, एक साल का सड़ा हुआ खाद वो होता है। और दोस्तों इसमें सड़ा हुआ है खाद, उसके बाद दोस्तों जो नीचे सूखे पत्ते हैं उसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो इस गोबर के खाद के साथ ही सड़ जाएगा। और दोस्तों इसको आज हमने डलवाया है, कल हम इसमें इसको फैला देंगे, कल पूरा दिन इसको फैलाने में लग जाएगा हमें, और ये पूरे दिन में हवा लग जाएगा। दोस्तों इसको सुखाना नहीं, हमने खाद को सूख जाएगा तो फिर उपले कंडे जो बोलते हैं वो बन जाएगा, तो खाद जो है उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। और दोस्तों जैसे हम आलू लगाएंगे, आलू लगाने से 10 दिन के पहले का ये प्रक्रिया है, इसको गोबर का खाद है और उसको जो बीज डालेंगे उसको इमीडिएट सपोर्ट मिले। जब हमारा ये गोबर का खाद मिट्टी में पूरा जब मिल जाएगा तभी दोस्तों ये सब हो सकता है। फैलाने के बाद हम इसमें डालेंगे दोस्तों पानी डाल के दोस्तों छोड़ देंगे 2-4 दिन के बाद, और दोस्तों इसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों हम आलू लगाएंगे। आलू हम कौन सा लगाएंगे, आलू लगाते समय हम किस प्रकार के ऑर्गेनिक दवाई का यूज करेंगे कौन सा, वो भी बताएंगे हम आपको, कितने दूर में लगाना है दोस्तों। और किसी भी हाल में हमें करनी है ऑर्गेनिक खेती आलू की। दोस्तों इस तरह से हम पूरा देख सकते हैं, फैला के इसमें हम पानी भर दिए, ये दोस्तों इस तरह से हम पानी भर देंगे, जिससे कि ये जो गोबर का खाद है ये प्रॉपर मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों जो हम आलू डालेंगे तो उसको जो प्रोटीन जो पोषक तत्व चाहिए ज़मीन से वो इमिडिएट मिले। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब हम आलू लगाएंगे आपसे तो उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।